ये गाड़ी देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये इस तरह से करेगी। देखो फिलहाल मैं दिखाता, अभी मैं इसे मेन स्टैंड पे कर रहा हूँ क्योंकि साइड स्टैंड में गया था राइट पे, वहाँ पे साइड स्टैंड पे ये ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं ये। फिर मैंने एमरजेंसी। तो फ्रेंड स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर सोहन इनफील पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 650 के जो हैंडल की प्रॉब्लम है, जो कि जिन जो 650 के ऑनर होंगे, जो राइडर होंगे, तो उन्हें पता होगा कि ये प्रॉब्लम के लिए भी हल्के से खड्डे में कहीं बाइक गिरती है तो आपको टक्की आवाज़ सी आती है और हैंडल में आपको लगता है कुछ लूज़ है। तो आज इसी प्रॉब्लम के लिए बताऊँगा। और दूसरा कि जैसे आप सिंगल हैंड से पकड़ोगे ऐसे लगेगा कि बबल कर रही है गाड़ी, एक ये। और दूसरा जैसे हैंडल छोड़ोगे गाड़ी, देखो ये देखो, देख रहे हो, ये इस तरह से करेगी, देखो डांस टाइप करेगी ऐसे, स्नेक टाइप जिगजैग करके। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ठीक कर सकते हैं आप इजीली, ना कुछ ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अभी हम आ गए अपनी वर्कशॉप में हम चलते हैं और वर्कशॉप में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। एक दो काम और भी है मुझे अपनी बाइक का, फिलहाल मैं दिखाता, अभी मैं इसे मेन स्टैंड पर कर रहा हूँ क्योंकि साइड स्टैंड में गया था राइट पे, वहाँ पे साइड स्टैंड पे ये ख़राब हो गया, आप देख सकते हैं ये। फिर मैंने इमरजेंसी में कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो तार डाल के ये ठीक किया था। अभी मैं आपको बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा था मेरी बाइक में जो हैंडल की प्रॉब्लम आ रही थी, आप देख सकते थे जैसे हैंडल में से जिगजैग होता था जब हैंडल छोड़ रहे हैं, और जैसे मतलब कि कहीं हल्का सा कुछ खड्डा आता है तो खड्डे या कुछ भी स्पीड ब्रेकर आता है तो हैंडल में से आवाज़ ऐसी आती है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हर 10,000 किलोमीटर पे आपने अपने जो हैंडल को खुलवा के अंदर लूबिंग करानी है पूरे सिस्टम में। उसके अलावा अगर वो वैसी प्रॉब्लम हो तो आपका जाम रहता, काफ़ी हैवी लगता है आपको तब। वैसी जब इस बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, वो जो प्रॉब्लम है वो है लूजनेस की, कि कुछ कुछ चीज़ लूज़ है जिसके कारण वो जब कोई स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हैं तो वो लगता है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने हम मैनुअली भी टाइट करते हैं, मैनुअली कभी भी आपकी बाइक ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आज जैसे टाइट करूँगा मैनुअली जैसे हो गया, जैसे हम हाथ से टाइट कर लें, एक बार कर लिया, एक जो दो तीन दिन के बाद वो फिर से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ही आपकी बाइक थोड़ी ऑफ रोड या कुछ थोड़ी कच्चे वच्चे रास्ते में चलेगी तो वैसे ही सीमा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने हैंडल खोल लेना अपना, पूरे अच्छे तरीके से खोल लेंगे ताकि हम इस पर टॉर्क अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएं। ये हमने खोल लिया प्रॉपर तरीके से। इस पर दो नेट रहते हैं हैंडल की, एक ये नेट हो गया, एक ये नेट हो गया। फर्स्ट से इस पर हमने जो टॉर्क अप्लाई करनी है, इस पर जो हमने टॉर्क इस पर मतलब टॉर्क जो मैं सेट कर लेता हूँ, 35 NM की हमने इसे पावर लगानी है। अभी ये 35 नहीं है, ये NM हो गया, आप देख सकते हैं NM से 30 और ये 35 के बीच में आएगा। हम टॉर्क रेंच को सेट कर लेते हैं, ये 30 आ गया, ये 30 भी आ गया है। अब हमने करना है 35 के लिए चार हैं तो चम्मे दो कर लेना है। ज़्यादा आ गया, हाँ ये हो गया 35। जैसे 35 हो जाएगा आपने इसको इस पर अप्लाई करना है, ठीक है, और तब तक टाइट करना जब ये देखो जैसे टक्की है, जैसे टक्की एक टॉक रेंज में से आवाज़ आएगी, जैसे ही ये आवाज़ आएगी तो आपने इसे छोड़ देना, उसके बाद फिर से टाइट नहीं करना है इसको। अगर ज़्यादा टाइट करते हो तो एक्स्ट्रा टॉर्क लग जाती है, तो उससे प्रॉपर इसकी हर एक नेट के लिए टॉर्क मैनुअली करता हूँ तो हमें पता नहीं रहता हम कितने टॉर्क से टाइट कर रहे हैं, बट टॉर्क रेंच से हम टाइट करेंगे तो हमें पता लग जाता है कितने हो गए। जैसे टॉर्क रेंच से आवाज़ आएगी तो आपने इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने हैंडल को हमने प्रॉपर लगा देना है उससे, जिस तरह से हमने खोला था इसको, ठीक है। खोलने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे, लाइटर तो मैं डाल नहीं में हूँ ताकि आपकी हैंडलिंग अच्छी रहे और ये अच्छी तरीके से होता है। इनको भी टॉक लगती है, इस पर बनाने की टॉक लगेगी, उसे मैं लास्ट में करूँगा। अभी मैनुअली से हाथ से टाइट कर रहा हूँ, यहाँ
यहाँ पे नट लगा के टॉर्क से सेट करेंगे। इस पर कितनी टॉर्क लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ये वाला नट है इस पर 20 nm की टॉर्क लगेगी। 20 nm हम कर लेते हैं इसे, ये हो गया 20 और ये 20 nm आप देख सकते हैं। 20 nm पे हमने सेलेक्ट कर दिया इसे। इसके पे यहाँ पे अभी कितनी एलन की लग कर इतने नंबर वहाँ पे आपकी 6 नंबर एलन की लगेगी, जिससे आपने 20 कैसे टॉर्क यूज़ करना है। हम 6 नंबर एल की लगा लेते हैं। टॉर्क रेंज कर लिया हमने सेट, ये करना है 20 nm पे। और हमें 6 नंबर की एलन की चाहिए, जिसके लिए टाइट करने के लिए हमें चाहिए। टाइट करते हैं इसको, ऊपर टक की आवाज़ ना आए। टक की आवाज़ आ गई है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक राइड करेंगे, राइड पे देखते हैं कि जो हमारी मेरी प्रॉब्लम थी कि कहीं भी स्पीड ब्रेकर पे कुछ आवाज़ आती थी फ्रंट से, और प्लस कि छोड़ने पे ऐसे बबल करता था, वैसा है कि नहीं। अभी चलते हैं राइड पे, राइड पे दिखाता हूँ कि बाइक की जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक हुई है कि नहीं हुई। अभी चल रहे हैं हम राइड पे और देखते हैं कि जो टक की आवाज़ थी वो बंद हुई कि नहीं हुई है। और देखो अब प्रॉपर पूरा मज़ा आ रहा है। हैंडल छोड़ने पे भी हमें देखते हैं कि वो जैसे बाइक पहले कर रही थी वैसे, अब सिंगल हैंड हाथ छोड़ने पे भी बाइक बिल्कुल सीधी चल रही है एकदम से ओके। तो मेरी जो हैंडल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। फिलहाल फिर से चलते हैं। जो मैंने आपको बोला था साइड स्टैंड का, मेरे साइड स्टैंड का काम भी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा साइड स्टैंड का मैंने काम करवा लिया, और हैंडल का भी हो गया है हैंडल की। बट आपने हमेशा याद रखना, जब आपकी बाइक 1 साल या 10,000 किलोमीटर हो जाए, आपने हैंडल को पूरा खुलवा के लूप करवाना है। ये रफनेस से भी कई बार प्रॉब्लम आ सकती है, पर ये टॉर्क वाला आपने करना मैनुअली, कभी भी टाइट नहीं कराना मैनुअली। आपकी बाइक ज़्यादा देर तक नहीं ठीक रहेगी। अगर टॉर्क से करोगे तो कभी, जब तक हम इसे खुद नहीं खोलेंगे तब तक ये नट नहीं खुलेगा। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।